स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। कई लोग मौसम बदलने पर त्वचा में अचानक खुजली और फिर बाद में शरीर पर छोटे बड़े लाल चकत्तों से उभरने आने की शिकायत करते हैं। त्वचा से जुड़ी इस समस्या को पित्ती का उछलना, जिसे शीत पित्त भी कहा जाता है, इसमें रोगी का पूरा शरीर खुजली और जलन से लाल होने लगता है। हालांकि ये खुजली कुछ मिनट बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है और यही वजह है कि लोग इसके इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क नहीं करते और समस्या होने पर परेशान रहते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पित्ती, इसके लक्षण और ठीक करने के लिए अपनाए जाने वाले घरेलू उपचार। तो पहले बात करेंगे क्या होता है पित्ती उछलना। तो पित्ती उछलना त्वचा से संबंधित एक विकार है जो मुख्य रूप से खून की अशुद्धता और कुछ विशेष हार्मोन की सक्रियता की वजह से पैदा होता है। ये एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन है जिसे हाइप्स या आर्टिकेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इससे पीड़ित रोगी को अचानक त्वचा पर तीव्र जलन और खुजली का एहसास होता है, जो बाद में छोटे या बड़े लाल चकत्तों के रूप में नजर आने लगते हैं। यूं तो इसके प्रभाव कुछ मिनट तक ही रहता है पर बाद में अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ रोगियों में इसका प्रभाव लंबे वक्त तक बना रहता है। मुंह और गले पर पित्ती आने पर ये श्वास नली को बाधित कर सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अब बात करेंगे पित्ती होने की वजह क्या है। तो कुछ विशेष दवाओं का दुष्प्रभाव, दूसरा फूलों के परागकण, तीसरा भावनात्मक तनाव, चौथा अधिक ठंड या धूप, अगला है अधिक पसीना आने की समस्या, फिर बीमारी या प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी कोई समस्या, ज्यादा व्यायाम, पानी में ज्यादा वक्त तक रहने की वजह। अब बात करेंगे पित्ती उछलने के लक्षण के बारे में। तो पहले खुजली होना, फिर त्वचा पर सूजन के साथ लाल चकत्तों का नजर आना, छोटे छोटे चकत्तों का आपस में मिलकर एक बड़े उभार के रूप में त्वचा पर दिखना, इन चकत्तों का त्वचा पर आना और मिनटों में इसका गायब हो जाना, डर्मेटोग्राफिट्स में जैसे हल्की सी खरोच लगने पर भी त्वचा में सूजन आ जाना, पलकों पर और होठों पर सूजन भी हो सकती है। अब आखिर में बात करेंगे पित्ती के कुछ घरेलू उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अदरक की। पित्ती उछलने पर आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अदरक का सेवन करने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है और खून साफ होता है। इसके लिए आप एक चम्मच ताजे अदरक के रस में 2 चम्मच शहद मिलाएं और इसका सेवन करें। आप इस मिश्रण का सेवन दिन में 3 से 4 बार तक कर सकते हैं। इससे पित्ती की समस्या में जल्द आराम मिलेगा। अब बात करेंगे हल्दी की। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर दिन में 2 बार पिए। आप हल्दी का पेस्ट बनाकर भी त्वचा पर सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को दिन में करीब 2 बार जरूर दोहराएं। अब आगे बात करेंगे अजवाइन की। तो पित्ती की समस्या से राहत पाने के लिए आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। ये त्वचा पर बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है, जिससे पित्ती में आराम मिलता है। 50 ग्राम अजवाइन को दरदरा पीस लें और इसमें 50 ग्राम गुड़ मिलाकर 15 गोलियां बना लें। अब 1 गोली सुबह शाम पानी के साथ लें, इससे पित्ती से जल्द आराम मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।